फिल्म का ये अंतिम शूट होगा और देख सकते हैं पीछे विधायक जी है और विधायक जी का पूरा काफिला। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग फिल्म से जा रहे हैं शूटिंग में, बाज इन बिहार। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा ये लगातार कई महीनों से चलते आ रहा है और आज हम लोग का अंतिम शूट है। तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, देख सकते हैं, और इसके बाद एक दो कलाकार अभी पीछे ही हैं तो वो लोग भी आएंगे और हम लोग साथ में चलेंगे। हम लोग का वाहन लगी हुई है। अभी हम लोग आवास पर उपस्थित हैं और हम लोग ड्रेस पहन लिए हैं और देख सकते हैं विधायक जी बैठे हुए हैं और बगल में देखिए मधुसूदन जी हैं जो कि वो भी तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग कुछ ही देरी के बाद यहाँ से निकलेंगे शूट स्थल पर और वैसे अभी हमें ज्ञात नहीं है कि कहाँ पर जाना है, आगे मालूम चलेगा। कुछ देरी के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शूट स्थल के पास और देख सकते हैं यहाँ का भव्य लोकेशन है और यहीं पर आज का शूट होने वाला है। तो आइए चलते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं अविनाश सर जो कि इस फिल्म में मुखिया जी का किरदार निभा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और इनसे जानते हैं आज के बारे में। सर आज के बारे में कुछ बता दीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं अविनाश कुमार तिवारी और ये बाज इन बिहार जो प्रवीण तिवारी के निर्देशन में बन रही है ये फिल्म, और इस फिल्म में एक मुखिया का किरदार मैं निभा रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी बात है कि सारा काम 99.8% इतना काम फिनिश हो गया शूटिंग का और आज अंतिम दिवस है। अंत भला तो सब भला, इस तरह का प्रयास हम सब मिलकर के कर रहे हैं, एक बेहतरीन काम हो रहा है। और हो भी क्यों ना, जब सारे लोग ईमानदारी से अपनी अपनी मेहनत देंगे काम को तो स्वाभाविक रूप से काम अच्छा होगा। पलामू की धरती पर फिल्म का निर्माण हो सकता है, ये बातें हर समय परिभाषित हुई हैं। आज इस बात को फिर से रेखांकित किया है प्रवीण तिवारी ने। कम संसाधनों में यहाँ के कलाकारों को, जिसमें कला है, कोट कोट की कला भरी हुई है, वैसे सभी कलाकारों को इकट्ठा करके सब मिलजुल करके अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये फिल्म एक यज्ञ की तरह है और इस यज्ञ में सबको आहुति देनी है। बड़ी ईमानदारी से सब आहुति देंगे तो एक बढ़िया यज्ञ संपन्न होगा। वही हो रहा है, एक बेहतरीन फिल्म के लिए हम सब अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, बस यहाँ भी बहुत सारी संभावनाओं को जिया जा सकता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो कि आप हमारे चैनल में जुड़े और दर्शकों को इस फिल्म से संबंधित बहुत अच्छा जानकारी दिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों, और भी यहाँ के जो भी दृश्य होंगे, जो भी यहाँ पर लोकेशन से संबंधित और फिल्म से संबंधित शूटिंग होंगे, उन तमाम चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप तक वीडियो बने रहे, देख सकते हैं दोस्तों यहीं पर आज शूट होने वाला है और फिल्म का ये अंतिम शूट होगा और देख सकते हैं पीछे विधायक जी है और विधायक जी का पूरा काफिला जो कि विधायक जी के साथ साथ चलेंगे और नारेबाजी लगाते हुए चलेंगे। बहुत सारे यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, बहुत सारे बच्चे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और प्रवीण सर समझा रहे हैं किस तरह से करना है। बहुत सारे नन्हे मुन्हे बच्चे भी फिल्म शूटिंग देखने आए हुए हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और देख सकते हैं सभी समर्थकों के पास पीला पीला यह झंडा है।
तो खर्चा नगद देता है? नहीं चाहिए, खर्चा चाहिए तीन गो कॉलोनी इनका नाम से लिखिए। एक ही होता है ठीक है, खाता आंध्रा बैंक है ना, सबका श्रेय रहा है, सबकी मेहनत रही है और पूरी मेहनत के साथ बढ़िया से काम हो रहा है और काम का रिजल्ट बढ़िया हो इसकी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। ये बता दें आप लोगों को दर्शकों, ये बाज़ इन बिहार में लोग शूट कर रहे थे, ये आज 17 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग 1 अप्रैल को इसको मुकम्मल करने में कामयाब हुए। पूरी टीम को इसका श्रेय जाता है और ख़ास तौर से हमारे डायरेक्टर जो यूथ नौजवान साथी हमारे जो डायरेक्टर हैं हमारे और ये राजकुमार है, कुमार की तरह राजकुमार आने वाले भविष्य के लिए हम लोग बड़ा मौका होगा अपने डायरेक्टर के लिए। बहुत निश्चित रूप से निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आने वाले राजकुमार मोहिया कलाकारों ने इन लोगों पूरे पलामू मंडल में हम लोग जाके इसका शूट किया इसका, और यहाँ भी गए वहाँ गाँव के लोगों ने बहुत भरपूर तरीके से सहयोग किया इसको जान करके। बाहर के लोग तो आते थे उनका हम सहयोग करते ही थे, लेकिन अपने लोग आए हैं तो उनका दिल खोल कर सहयोग किया उन्होंने और इसका नमूना पेश किया उन लोगों ने कि हमारे यहाँ जो यकजहती है, हम लोग जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं उसकी भावना हर जगह पर जाने के बाद मिला। और हम ये उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमारे डायरेक्टर मॉडल से कि इसको जब एडिट वगैरह करने के बाद इसे प्रदर्शन करेंगे। रखा है 7 मार्च 2025।